हम सारी दुनिया की खान छान के सबसे बेहतरीन इंडियन घर ढूंढ ढूंढ के आगरे लेके आते हैं, लेकिन फाइनली हमने ये कंक्लूड किया है कि अगर आपको दुनिया का सबसे अच्छा इंडियन खाना खाना हो तो आप यहाँ पे आइए। और यहाँ का मतलब इंडियन एक्सेंट, जो लोधी रोड पे लोधी होटल में। और हम मिलने जा रहे हैं अपने दोस्त मनीष मेहरोत्रा को, जो ऑल्सो इंडिया के सबसे अकॉम्प्लिश शेफ है एट इंडियन एक्सेंट। जैसे कि आप देख चुके हैं, इस टेबल पे बहुत ही खूबसूरत और बहुत शानदार चीजें हैं, लेकिन शायद इस टेबल पे सबसे शानदार चीज जो है वो है ये शेफ मनीष मेहरोत्रा। शेफ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमें अपने ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में बुलाया और ऐसी शानदार खाने की चीजें ऑफर करी। मतलब मैं आपको सच में बता सकता हूँ, अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप शेफ का खाना जरूर खाइएगा, बिकॉज मतलब दादी और नानी को छोड़ के इतनी बार खाना खा के आंसू जो आते हैं ना, वो कभी नहीं आए, ये एक्सेप्शन छोड़ के। लेकिन आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है शेफ। आप पहले ये बताइए कि आप मतलब सब घूम घाम के यहाँ पे कैसे पहुँचे एज द शेफ एट इंडियन एक्सेंट। शेफ इज इंडियन एक्सेंट, मैं बिहार से हूँ एंड कम्प्लीटली वेजिटेरियन, नो अनियन नो गार्लिक फैमिली से हूँ। अरे वाह। सो माई फादर नेवर यूज्ड टू ईट अनियन एंड गार्लिक। हम लोग अंडे भी छत पे खाते थे क्योंकि घर में अलाउड नहीं थे, और उन कबूतरों के अंडे वैसे छत पे मिलते ज़्यादा करते, हम भी छत पे खाते थे। तो शेफ बनेंगे ये कभी सोचा नहीं था, बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते थे, बट पढ़ने में तेज नहीं थे इसलिए होटल मैनेजमेंट किया। बताओ, मजाक कर रहे। तो होटल मैनेजमेंट में किचन वॉज द मोस्ट इनोवेटिव एंड जिसमें कुछ क्रिएट कर सकते, क्रिएटिव। तो फिर उस किचन में गए एंड नाउ इट्स बीन 26 इयर्स, हेयर आई एम एट इंडियन एक्सेंट। 12 साल हो गए इंडियन एक्सेंट को अब, और पीपल लाइक आर फूड, स्टिल लर्निंग, रोज़ नई नई चीज़ें सोचते हैं, नई नई चीज़ें इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी डू आर फूड। मतलब ऑल्सो आपकी जो इंस्पिरेशन होती है कि हैशटैग रोड ट्रिप इन RNM की एक ट्रिप पे, एक या दो ट्रिप पहले हमने कवर किया दाल पकवान, एंड शेफ इज़ वेरी काइंड, वो हमारे वीडियोज़ वगैरह देखते नहीं, सर चलो आई विल अटेम्प्ट टू इनोवेट इट। तो लेटर हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने जो हमारा जो वो स्टैंडर्ड जो रोड पे दाल पकवान मिलता है उसको एलिवेट करके वो कहाँ लेगा, और अभी ऐसी सुंदर बोर्ड की चीज़ में ये आपको दाल पकवान मिलता है, फ्लेवर आपको वो ही मिलेगा, परफेक्ट स्ट्रीट फूड का, करेक्ट। वो तो जब हम खाएंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन शेफ मैंने सबसे पहले आपका जो खाना खाया था वो थाई फूड खाया था, तो आप कौन सी कुजींस आपको पसंद है? थाई आप बनाते हैं, इंडियन आप बनाते हैं, व्हाट ऑल आर यू डूइंग? शुरुआत मेरी थाई से हुई थी, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग एट थाई पवेलियन इन पैच फर्स्ट कॉलेज से निकलने के बाद। उसके बाद आई ट्रेन्ड एज अ पैन एशियन शेफ। इंडियन एक्सेंट 12 साल पहले वॉज माई फर्स्ट इंडियन रेस्टोरेंट, और क्योंकि मैं ट्रेडिशनल इंडियन खाना नहीं बना सकता था इसीलिए ट्विस्ट करके बनाता हूँ खाना। हाँ, तो वही मेरा अगला सवाल वही था कि अगर मैं इसकी शक्ल देखूँ तो इंडियन का कोई कज़न लग रहा है, मतलब अमेरिका वाला जो कज़न होते हैं ना इंडियन, उस टाइप के लग रहे हैं सारे। तो इज दिस ट्रूली इंडियन फूड? व्हाट इज द इथोस, मतलब इंडियन एक्सेंट का खाना अगर आप डिफाइन करें तो क्या होता है इंडियन एक्सेंट का खाना? सिंपल वर्ड में अगर बोले इंडियन एक्सेंट का खाना, तो जब आँख खोल के देखो तो इंडियन खाना नहीं लगेगा, जब आँख बंद करके खाओगे तो दिस इज कम्प्लीटली इंडियन फूड। अच्छा, तो ऑल द रेसिपीज आर ट्रू टू हार्ट ऑफ इंडिया, बट द कॉम्बिनेशंस आर यूनिक। जो चीज़ें मिक्स मैच की गई हैं बहुत यूनिक हैं, लेकिन सारी किसी स्टोरी पे और किसी आइडिया पे बिलोंग करती है, ये नहीं कि किसी चीज़ को भी कुछ भी मिला दिया। तो हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न है, कोई स्टोरी है। और तो एक एग्जांपल दीजिए शेफ, लेट्स पिक दैट डिश, वो बड़ी सुंदर लग रही है, कुछ पनीर लग रहा है मेरे को। ये कढ़ाई पनीर है। वाह, कढ़ाई पनीर में पनीर होता है, कैप्सिकम होती है, और कोरिएंडर सीड मेन चीज़ होती है। तो इसमें एक कैप्सिकम की जगह हमने पेपर्स लिए, दीज आर स्वीट पेपर्स विच आर फिल्ड विद पनीर मिक्सचर, एंड ये पनीर के हम लोगों ने पतले स्लाइसेस काट के उसका एक रोलाट टाइप का बनाया हुआ है, जिससे हर पनीर के हर लेयर में फ्लेवर है, अदरवाइज पनीर ब्लैंड होता है। बिल्कुल, तो इसकी हर लेयर में फ्लेवर है। और सर ज़रा ये पास तो कीजिए पनीर सर प्लीज़, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को ये। वाह क्या बात है, इसकी शक्ल देखिए पहले। सो दिस इज द इंडियन एक्सेंट इथोस, पर जब मैं इसको आंख बंद करके खाऊंगा तो दिस विल टेस्ट लाइक कढ़ाई पनीर, 100% कढ़ाई पनीर, 100% कढ़ाई पनीर। अब पनीर मैं खाता नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं खा के आपको बताता हूँ। देखो
ये तो बहुत इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला शेफ। अच्छा अब मतलब थोड़ा खाना भी जरूरी है। देखिए हम इधर आए खाने वाने के लिए, तो शेफ प्लीज ज्वाइन अस, खाएंगे आप? नहीं ज्वाइन अस नहीं, मैं जानता हूँ इस टेबल पे क्या होने वाला है। प्लीज गो अहेड एंजॉय योर फूड एंड आई विल टेक योर लीव। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। शेफ को पता है यहाँ पर क्या होने वाला है? यह होने वाला है आक्रमण यलगार। फैंटास्टिक। तो ये देखिए टिपिकल एक तरीका, यह ताश मीट बड़ा पॉपुलर है ईस्टर्न इंडिया में, बिहार के आसपास। नीचे सत्तू की रोटी, इसके अंदर बहुत प्यार से बनाया गया मटन, और ये अचारी स्पेयर रिब, तो मतलब पूरा स्पेयर रिब है, इंग्लिश टाइप का पोक है, और उसके ऊपर अचारी फ्लेवर, और ये देखिए नींबू, नींबू का मुरब्बा। वैसे मतलब ये कौन कहता है कि मतलब पोक जो होता है, मतलब उनके पास रिब्स होते हैं जो वो स्पेयर निकाल के देते हैं कि मतलब डिशेज हो? हम नहीं मानते, हम बिल्कुल नहीं मानते। इसको स्पेयर रिब्स क्यों बोलते हैं? अगर आपको पता है तो प्लीज हमारे को बताइए स्पेयर रिब्स क्यों बोलते हैं। यहाँ पे मतलब शेफ जो है वेजिटेबल्स को, लेंटल्स को बड़ा सुंदर करते हैं। मेरा शौक यहाँ पे भी बड़ा सिंपल है, थोड़ा पास आइए, ये देखिए मेरठ में जो मुरादाबाद में जो फेमस है दाल मुरादाबादी, पूरी रात इसे पकाया जाता है कोयलों पे और चूर चूर रोटी के साथ। कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं आके सिर्फ ये दो चीज़ें खा लूँ, तृप्त हो जाऊँ और यहाँ पे छोटा सा अपना गद्दा लगा के सो जाऊँ। यहाँ पर हर चीज़ जो आप खाएंगे उसमें आपको मिलेंगे एक्सक्विजिट फ्लेवर्स। जो स्पेयर रिब है जस्ट कम्स ऑफ द बोन, सो डेलिकेट सो जेंटल। जो ताश मीट है एकदम गायब हो गया मुंह में जाके, और छोटी छोटी टचेस आपको ये मिलेंगी, जैसे देखिए जैपनीज बटर राइस के साथ ये कन्याकुमारी क्रैब, ब्यूटिफुली एंड डेलिकेटली डन, और सारे फ्लेवर्स यहाँ पे बहुत ही शानदार हैं। तो इंडियन एक्सन पर आकर एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिए। बैठो, मेरी जान निकलने वाली है, जान जाने से पहले ज़रा प्राण पास कर दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। और अलग अलग टाइप के डिज़र्ट्स हैं हमारे, जो ये फेवरेट है ये इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रीट्स ऑफ ओल्ड दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, दौलत की चाट से बोला जाता है। ये देखिए प्रेजेंटेशन नहीं, ये सच्ची वाले नोट नहीं है, क्योंकि शेफ को पता था हम आने वाले कि ये नोट यहाँ पे नहीं रहेंगे, बट बिल्कुल डेलिकेट, ऑलमोस्ट लाइक मिल्क फोम जिसे फ्लेवर किया जाता है सैफ्रन वगैरह के साथ। इसको आप खाओगे वैसे मुँह में गायब होती है, लेकिन तीन कटोरी बाद आपको पता लगता है कि मतलब आपने कुछ खाया था। ब्रेड भी जो है बेसिक कुलचा के नान, कुलचा बटर चिकन कुलचा, और ये आपको कोशिश के बीच में मिलता रहेगा। शेफ्स मेन्यू ट्राई कीजिएगा, वाइन के साथ पेयरिंग आप कर सकते हैं, ड्रिंक्स आप अलग से कर सकते हैं, या अलाकार्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। पर फाइनेस्ट इंडियन फूड इन द वर्ल्ड, अगर किसी को भी दुनिया से कहीं भी लाना हो और ऐसे खाना खिलाना हो जिससे उनका मुंह खुला रह जाए खाने के बाद भी, तो उन्हें इंडियन एक्सेंट द लोधी में, दिल्ली में लेके आइएगा। एनी फेमस लास्ट वर्ड्स? जब आप ये वीडियो देखेंगे और आप बुकिंग करेंगे और आप यहाँ पे आके खाना खाएंगे, तो आप हमारे को एक प्यार भरा थैंक यू नोट जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमें पता है आप जरूर भेजेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है सर, जरा पास आइए, ये तो देख के जाइए। ये देखिए डिजर्ट कितने प्यार से बनती है इंडियन एक्सन में चीजें, बेक चॉकलेट, खीर के क्रिस्प, ये है बासुंडी, ये साथ में बहुत ही जेंटल फिग एक, ये सैफरन के दाने यहाँ पे पड़े हुए, ये कौन सी बेरी है, रेड बेरीज ओवर हियर, ये एक छोटी सी ब्लैक बेरी, और ये छोटे छोटे दाने, यानी कि हर एक चीज़ में इतना डिटेल दिया गया है कि हर एक बाइट जो है वो प्लेजर है। अच्छा अब थैंक यू, बाद में मिलते हैं, बातें छोड़ते हैं।